हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने जीवन की चार बातें। ऐसी चार महत्वपूर्ण बातें आप किसी से शेयर न करें। बहुत ही अगर आपका विश्वास पात्र हो और आपको लगता है कि ये मेरी बात किसी को नहीं बताएगा, उसी से आप शेयर करें। वो चार बातें आपके जीवन की मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, हमेशा जीवन में ध्यान रखिए। फर्स्ट पॉइंट, अपना दुख हर किसी को शेयर न करें। मित्रों, अगर आप अपना दुख हर किसी को शेयर करेंगे ना, तो वो सिर्फ आपकी मजाक उड़ाएंगे, वो आपकी कभी मदद नहीं करेंगे, वो आपके दुख को दूसरों के सामने बोलेंगे और आपको हमेशा अपना हंसी का पात्र बनाएंगे। आपका अपना दुख बताना चाहिए, लेकिन आपको लगेगा अरे ये विश्वास पात्र है और ये मेरी बात सुनेगा और ये मेरी बात सुनेगा और हमेशा मुझे संकट से उभारेगा, उसी को अपनी बात बताए। हर जो मिले जिसे को अपना दुख कभी नहीं बताना चाहिए दोस्तों। सेकंड, अपना अपमान हुआ है कहीं पे भी किसी भी जगह, किसी को ना बताएं। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में, चाहे वो महान इंसान बना हो या चाहे निम्न स्तर का हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह तो उसका अपमान हुआ ही हुआ होगा। लेकिन अगर आपका कहीं पे भी अगर अपमान होता है और आप किसी को भी अपने दोस्त रिश्तेदार किसी को भी बताते हो, तो आप ध्यान रखो वो आपके अपमान का विवरण किसी दूसरी जगह पे भी कर सकता है दोस्तों, और आप एक हंसी का पात्र बन सकते हो। इसीलिए अपना अपमान, जहाँ कभी भी आपका अपमान हुआ है तो अपने अंदर ही रखिए और वो कारण ढूंढिए कि किस कारण आपका अपमान हुआ है, तो उस कारण को दूर करने की कोशिश कीजिए, ना कि अपने अपमान का विवरण किसी को दूसरों को सुनाए। थर्ड दोस्तों, अपने मुसीबत के समय को किसी को न बताए। हर इंसान के जीवन में मुसीबतें आती है, किस इंसान के जीवन में मुसीबतें नहीं आती है, लेकिन मुसीबतों का समय अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को, सबको साथ शेयर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मन हल्का होता है। लेकिन उन्हीं के साथ शेयर करें जो आपकी मुसीबतों को दूर करने का प्रयास करें सच्चे दिल से, जो आपके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चले। ये नहीं कि आप हर किसी को बता दें और वो यही मुसीबतें वो किसी दूसरों को बताए और आपका मजाक उड़ाए। आपने भले ही आपने अपने काम के प्रति खूब मेहनत की है, लेकिन हर इंसान के जीवन में सुख दुख आते हैं, लेकिन वो जो आपका हंसी उड़ाएगा वो आपकी इस बात को नहीं समझेगा। इसीलिए अपने दुख के समय को, अपने मुसीबत के समय को हर किसी के साथ शेयर न करें। आपको लगे कि यार ये मेरा विश्वास पात्र है, ये किसी को बताएगा नहीं, ये मेरी मदद करेगा उल्टी ओर, उसी से अपने मुसीबत के समय को शेयर करें। फोर्थ, अपने व्यापार में नुकसान को किसी को न बताएं। हर इंसान के जीवन में व्यापार का नुकसान होता है, कभी अच्छा प्रॉफिट होता है, कभी कम प्रॉफिट होता है, कभी नुकसान होता है। हर इंसान अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, 100% मेहनत करता है, कुछ भी करने की कोशिश करता है। लेकिन आपको पता है दोस्तों, कर्म कर्म करना अपने हाथ में, लेकिन फल ऊपर वाला देता है। नुकसान हो जाता है व्यापार में, लेकिन अगर ये चीज आप हर किसी को बताएंगे कि यार मेरे व्यापार में नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, तो लोग क्या करेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे दोस्तों। वो ये नहीं सोचेंगे कि किस परिस्थिति, किस समय और किस विशेष कारण से आपको नुकसान हुआ है, ये नहीं सोचेंगे। बस वो तो आपकी हमेशा हंसी उड़ाने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन अपने व्यापार के नुकसान को बताइए, जरूर बताइए, लेकिन जो आपकी मदद कर सके सच्चे दिल से, जो आपको लगे कि ये मेरे साथ रहेगा और हर मुसीबत में मेरे साथ खड़ा रहेगा, उसे बताइए, आपका मन हल्का होगा जरूर, लेकिन हर किसी को न बताए दोस्त। तो दोस्तों, ये ध्यान रखें, ये चार बातें अपने जीवन की हर किसी से शेयर न करें। आपको लगे ये मेरा विश्वास पत्र है, ये मेरी हर मुसीबत में मेरी मदद करेंगे, उन्हीं को अपनी ये चार बातें बताएं। इसी के साथ आज यहीं, नमस्कार।